आप इसको इम्प्लीमेंट करना तो बड़ी बात है, आप इसको सोच ही सकते हैं कि कितनी महंगी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें आपके स्कूलों में आ सकती हैं। और इसके ये कमर्शियल कंपनी है, कोई डोनर नहीं है, एनजीओ नहीं है, ये पेपर क्लियर कर दूंगा, ये सब दोस्ती दोस्त हैं मेरे। अब ये तीनों कंपनी मौजूद होगी मेरा भोपाल के लिए, और ये इस कदर कम पैसों पर तैयार है काम करने के लिए, वो अनइमेजिनेबल है। यानी ये समझ लें वो चंद सौ की बात कर रहे हैं, 100 से भी कम की, रुपए की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको मैं वहां से यहां तक कैसे लाया ये मुझे पता है। इनको मैंने कहा पैसे नहीं कमाने, सस्टेन करो सिर्फ वहां पे। ये तीनों कंपनियां वहां डेमोंस्ट्रेशन देंगी चीजों की आपकी। यहां एक पॉइंट जरा क्लियर करते थे जी, जो टेलीफोन की बात हुई थी, ये स्कूल टाइम के बाद आपके साथ के काम करेंगे जी, जी जी और जो उस टाइम पे इनके साथ अटैच होंगे उनसे इन्होंने ले लेना जी, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि स्कूल के दौरान भी ये काम हो बच्चों के साथ पढ़ाने का, तो वो भी हो जाएगा, दैट इज नॉट द इशू, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगी भी होगी उनकी। ये टेक्नोलॉजी की बात होगी। अब जो सबसे अहम बात है, वहाँ 20 कंपनियां आ रही हैं, वहाँ पे मेडिकल कंपनी आ रही है वहाँ पे, जो आपके स्कूलों में हेल्थ को लेकर जाएंगे, डॉक्टर कहीं होगा, पेशेंट वहाँ पे आएंगे, उसके अलावा ज़रात के लोग आ रहे हैं जो बताएंगे ज़रात में कैसे काम कर सकते हैं इलाके के अंदर। यूँ समझ लें जो आपका स्कूल है वो 2 बजे के बाद एक डिजिटल हब में क्रिएट हो जाएगा जी। वहाँ पे लोग आके अपने मसले हल करेंगे, ज़रात के, मेडिकल के, एजुकेशन के। सबसे बड़ी बात ये, जो आपके इलाके में आर्टिजन काम कर रहे हैं 5 मील के एरिया के अंदर, वो सब वहाँ के अपनी ऑनलाइन चीज़ें बेचेंगे। ये तमाम चीज़ें कल आपको मेरा भोपाल के अंदर डेमोंस्ट्रेट नजर आएंगी। आपने सिर्फ ये करना है, एक तो वहाँ खुद जीप लानी है, ठीक है, 3 बजे आपने पहुंच जाना है वहाँ, ठीक है। वहाँ फॉरनर्स आ रहे हैं, हमारी कॉन्फ्रेंस की रियासत जीप आ रहे हैं, लिफ्ट पाकिस्तान उसका हिस्सा है, वो सारे वहाँ पहुंचे होंगे वहाँ, ठीक है जी। 3 बजे आप आ जाएं, 1 घंटे स्टॉलों को देखिए, पूरे 4 बजे शाम हम इवेंट शुरू कर देंगे और 1 घंटे में खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक म्यूजिक का प्रोग्राम फॉरनर्स के, आपकी मर्जी अटेंड करें मर्जी अटेंड ना करें, इट्स अ फ्री, कोई पैसे नहीं लेना आपसे वहाँ पे। रोटी अपनी खानी है, मैं पहले बता दूँ तो क्लैरिटी है, क्योंकि मेरे पढ़ने का पता है, 4 रोटी पहले खाओ, बाकी सब क्यों फ्री है वहाँ पे, वो भी आपका लोकली बंदा वो बाहर का लगा रहा खाना, वट एवर डू। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी, और इसके अंदर मैंने पहले गुजारिश की थी आप लोगों को, सीरियसली लिया गया मेरी बात को, ये सेंटर अब बनने जा रहा है, ये खुद स्कूल नहीं है जहाँ सेंटर बना, वो अपना स्कूल है, वो एक जगह है जो मैं, और जो जगह मैं बताई थी वो कुछ नहीं था वहाँ पे, एक सब मुर्गियों का शेड था, टूटा बजा और एक ग्राउंड था। अब उसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया ये सब मैं कल आपको वहां दिखाऊंगा। ये चीजें चल के आपके पास आ रही है, इतने कार है, आपको जिस कंपनी की जो चीज अग्री करेंगे वहां एक फॉर्म पड़ा होगा, उसको आप भरेंगे, ये बड़ी जरूरी बात है, एक रजिस्टर फॉर्म पड़ा होगा उसको आप भरेंगे, वो कंपनी डायरेक्ट रब्ता नहीं करेगी आपसे, आप कुछ भी करेंगे रब्ता नहीं करेगी, मैं फ्रेंडली बता दू, यहाँ होता है कन्नी में कोडो थी आप कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, उन कंपनी से एग्रीमेंट हमारा यही है, वो कंपनी आप रब्ता नहीं करेगी, जब आप थ्रू होगी सिस्टम है ना। उनको मैंने कहा कि मैं 50 स्कूल दूंगा आपको, आई टोल्ड देम कि मैं पहले फेज में 50 स्कूल दूंगा, और मैंने उनको बता दिया इसका नाम है ई बरगला। ई बरगला क्यों नाम रखा गया, ये बरगले की पहाड़ियां है हमारी यहाँ, दुनिया में बड़े काम ऐसे ही हुए, ये सिलिकॉन वैली बन गई, पता नहीं बेंगलोर वैली बन गई, हमने मिलकर काम कर लिया था। हमारे यहाँ एक अनलकी बात यह है कि हम में से हर आदमी अकेले अकेले कुछ करना चाहता है, सब मिल चाहते हैं, वो कहता है मेरा कुछ वजह है, प्लस जो ग्रुप है वो मिल गया आपस के अंदर, एक स्कूल का ग्रुप मिल गया, वो कहते हम कुछ करना चाहते हैं, उससे हम खुद तो कामयाब हो गए अकेले अकेले, हमारा ग्रुप बैठ गया नीचे। मैंने कहा हम नेगेटिव आज बात बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं चूंकि बहुत एक्टिव काम कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि बहुत लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपका तशरीफ लाए वहां पे, 3 बजे पहुंचे, जितनी कंपनियां वहां स्टॉल लगा रही है टेक्नोलॉजी की, सबसे आप देखिए जो आपको पसंद आए, वहां एक फॉर्म पड़ा होगा वो आप भर दें वहां, उससे कोई बात ना करें, उसके बाद मैं दोबारा लोगों को बुलाऊंगा, मैं फॉर्म निकालूंगा, जिसका जो जो इंटरेस्ट होगा मैं आपको उस कंपनी से खुद लिंक कर दूंगा। क्वेश्चन को आप एनी क्वेश्चन, बच्चे भी स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं जी, बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, अब आप एक और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई अगर टैबलो है किसी के पास, कोई अगर फंड का है, फॉरनर काफी आ रहे हैं, कैसे चीज पेश करना चाहते हैं, हम स्टेज के ऊपर आपको वो भी स्क्रीन लगी होगी वहाँ पे, उस पर समय नजर आ रही होगी, उस पर जी परफॉर्मेंस तो उसके लिए मेरा कॉन्टेक्ट पॉइंट है, उसका आप रब्ता करना पड़ेगा ताकि उस प्रोग्राम में डाल दे। हम बाबर साहब को बोलने का टाइम देंगे 5 मिनट, हर आदमी को बोलने का टाइम देंगे, आप जो बोलना चाहता है कॉन्सेप्ट के जरूर बोले, 5 मिनट देंगे आपको, बोले हर एक को 5 मिनट मिलेंगे, बोले मुझे 5 मिनट मिलेंगे वहाँ बोलने, हम ये चाहते हैं उस 1 घंटे के अंदर हम मैक्सिमम बात
देखें वो हम लाइव कर रहे हैं, जब ये दिखा रहे हैं ये लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं मुझे, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा ये लाइव चलाएंगे उस प्रोग्राम को, दुनिया देखिए हमारी नेगेटिविटी चेंज आ रही है। अभी आप देखो उस कमरे में बच्चे साइबर ड्रिल कर रहे हैं, वो हम पॉजिटिवली चाहते हैं लोग बताए लोग के, ठीक है इनके मसाइल भी है लेकिन सोसाइटी लड़ भी रही है इस चीजों के साथ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, कन्वेंशन सेंटर में 14-15 के इवेंट्स हो रहे हैं, उसका टिकट है बहुत कुछ है हमारे पास कूपन है, कल जब आप लोग आएंगे जो हमारे ताउन करेंगे आप उनको फ्री कूपन देंगे, मैं आपको बताया ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ वो उसकी एंट्री है पर उसके बड़े पैसे हैं उसके अंदर कन्वेंशन सेंटर के अंदर, वहाँ हमारे इवेंट्स हैं, हमारे 4 इवेंट्स हैं वहाँ ठीक है, 14 को 2 इवेंट है, 15 को 2 इवेंट है, खवातीन को मैं खातों में चाहूँगा उसके अंदर आए आप जब वहाँ मेरे पास पहुँचेंगे, और जो देखिए हम लोग जाया नहीं करना चाहते वो पैसों के, तो जो आएंगे उनको हम कूपन दे देंगे उस वक्त जी। अली हम लोग ये नहीं चाहते कि वन बाय वन आप लोग अप्रोच करें, आप लोग हम लोग एसोसिएशन ठीक है, एसोसिएशन के थ्रू आगे जाओ आप। लेकिन जब स्लो होगी मैंने अपने से वादा किया कि मैं 50 स्कूल को एंगेज करूंगा। मतलब सर मैं इसमें कल हमें जो रब्ता किया गया हमें 6 बजे पूरी दुनिया में जो कोऑपरेटिव स्टाइल है वो ये नहीं है कि पहले डिसीजन हो फिर हम एक दूसरे से तालमेल बनाएं, तो जब हम डिसीजन कर रहे होते हैं उस वक्त ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते एक दूसरे को, मैंने कोई डिसीजन करना है ठीक है कि मैंने ई मार्गला में कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आना ठीक है, तो मैं डेट और वेन्यू और चीजें फाइनल करने से पहले एक मैं आपको शो कर दूंगा, मैंने हर चीज आपको किया आप मैंने आपके मैंने देखा रिसोर्ट पर्सन, मैं बहुत प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, आप एक जेन्युइन आदमी और काम करना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ ईमानदारी के साथ माजी को भूलने में फायदा नहीं होगा। अब मैंने बुलाया ना आपको, मैंने कुछ किया आपको आप चीज में मैं बता रहा हूँ ना आपको ना, अब आप सारे आए वहां पे फॉर्म साइन करें जितने